बिगफुट एम्बुलेंस। दूसरों को मदद करना एक महान विषय है, ऐसा ही कुछ ख्यालों वाला आदमी विकास था। वह बचपन से ही सारे लोगों को मदद करने का सोचता है, इसीलिए उसके गांव में सभी लोग उसका बहुत आदर करते हैं। इसी वजह से उसने नर्सिंग कोर्स किया और एक नर्स बन गया। वह शहर और गांव में घूमकर अस्पतालों में नौकरी के लिए ढूंढने लगता है। सर, गुड मॉर्निंग, मैं अपने नर्सिंग कोर्स पूरा कर दिया है। मैं सारे लोगों की और मरीजों की सेवा करना चाहता हूँ। क्या मुझे आपके यहाँ नौकरी मिल सकता है? अच्छा, तू सेवा करना चाहता है, तो मैं क्या यहाँ रोटी बना रहा हूँ? बड़े आए सेवा करने वाले, चल निकलो यहाँ से। सेवा करना है तो खुद का अस्पताल खोलो। विकास जहाँ भी जाता था उसे बाहर निकाल दिया जाता था। एक दिन वह गांव के सेंटर में चाय पी रहा था, इतने में उसका दोस्त सूरज को मिलता है और दोनों बातें करने लगते हैं। यार विकास, कैसा है तू? काम कैसा चल रहा है? क्या काम यार, मैंने लोगों की सेवा करने के लिए नर्सिंग कोर्स किया है, लेकिन कोई भी मुझे काम ही नहीं दे रहा है। यार एक काम करो, क्यों ना तुम एक एम्बुलेंस खरीदो। आजकल एम्बुलेंस का बहुत डिमांड है, उससे तुम्हारी बहुत अच्छी कमाई होगी और सेवा करने का तुम्हारा इच्छा भी पूरी हो जाएगी। लेकिन तुमको साधारण एम्बुलेंस नहीं, कुछ नया आइडिया को आविष्कार करके एक अलग एम्बुलेंस खरीदना है। ऐसा ही विकास सारी रात सोच में पड़ जाता है और एक बड़ा विशाल एम्बुलेंस बनाने के लिए सोचता है और तुरंत सूरज के पास जाता है और अपना आइडिया बोलता है। सूरज, थैंक्स यार, आज तुम्हारी वजह से ही मैं इस आइडिया को सोचा है। मैं एक बिगफुट विशाल एम्बुलेंस बनाना चाहता हूँ। उस बिगफुट एम्बुलेंस के साथ मैं आसानी से सारे ट्रैफिक को पीछे छोड़कर रोड के ऊपर से जा सकता हूँ। ऐसा मैं सबसे पहले मरीजों को लेकर अस्पताल जा सकता हूँ यार। आइडिया तो सही है यार, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ ना, इसीलिए मैं भी तुमको कुछ हेल्प कर सकता हूँ इसमें। ऐसा दोनों दोस्त मिलकर एक हफ्ते के अंदर एक बिगफुट एम्बुलेंस बना देते हैं। उनके पहिए बहुत बड़े थे और एम्बुलेंस बिल्कुल ऊपर ही था और बहुत बड़ा था। उसमें आसानी से 10 मरीज को एक ही बार लेके जा सकते थे। यार सूरज, तुम न होते तो ये मुझसे नहीं हो पाता यार। थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया है। विकास आसानी से सभी ट्रैफिक को पीछे छोड़कर रोड पर सारे ट्रैफिक के ऊपर से जल्दी मरीजों को अस्पताल लेके जाने लगा। इससे डॉक्टर भी खुश और मरीज भी। तब से विकास का बड़ा पांव एम्बुलेंस शहर में और गांव में बहुत फेमस हो गया। ऐसा ही कुछ ही दिनों में विकास का कमाई भी बढ़ जाती है, लेकिन वह सबसे कम पैसा लेकर उनका सेवा भी करता था। विशाल चिकन दौड़ चैलेंज। बहुत दिन पहले महाकाय करके एक गांव था। उस गांव में कुछ लोग के पास विशाल मुर्गियां थी। वह मुर्गियां जमाने से उसी मालिक के पास रहा करते थे। हर साल उन विशाल मुर्गियों पर एक चिकन रेस का आयोजन करते थे। जो भी उस रेस में जीतेगा उसके मालिक को गांव का प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। एक दिन रेस का ऐलान हो रहा था। सुनो भाई लोग, कल रविवार को रेस का आयोजन हो रहा है, जो भी भाग लेने वाले हो अभी आकर रजिस्टर कर लेना। तभी एक आदमी रंजित वहां पर अपना नाम रजिस्टर करने के लिए आता है। मेरा भी नाम लिख दो भाई, इस साल में भी इस रेस में भाग लूंगा। उधर ही बेटा उस गांव का प्रेसिडेंट आकर ऐसा बोला। क्यों रे रंजित, बहुत चर्बी चढ़ गई है, तुम हमारे मुकाबले करोगे क्या? मेरे बेटे से पंगा लेगा तू। अरे क्यों नहीं साहब, हम ऐसे ही रह जाएंगे क्या? हमको भी मौका दो प्रेसिडेंट बनने का। तू क्या प्रेसिडेंट बनेगा रे, तुम लोगों का काम हमको सेवा करना है, देखते हैं कौन जीतेगा। ऐसा बोलकर प्रेसिडेंट वहां से चला जाता है, लेकिन दुर्बुद्धि के साथ
एक प्लान भी बनाता है। उसी दिन की रात को प्रेसिडेंट कुछ लोगों को बेचकर रंजीत की विशाल मुर्गी को मारने के लिए बोलता है। फिर प्रेसिडेंट के आदमी जाकर रंजीत की विशाल मुर्गियों को बड़े चाकू से मार देते हैं। अगले दिन की सुबह, अरे किसने किया है यह काम? कैसे मार दिया मेरे मुर्गी को? अब मैं रेस में कैसे भाग लूंगा और जीतूंगा क्या? ऐसा सोचकर उदास घर के बाहर बैठा रहा। तभी प्रेसिडेंट की बेटी सीमा अपने विशाल मुर्गी के ऊपर बैठकर वहां से गुजरने लगी। उदास रंजीत को देखकर उसने ऐसा पूछी, अरे क्या हुआ रंजीत, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं सीमा, तुम्हें मालूम नहीं है आज मुर्गियों का रेस है। मैंने सब तैयारियां करके रखा था, लेकिन कल रात को किसी ने मेरा मुर्गी को मार डाला। अब मैं क्या करूं? अरे तुम घबराओ मत, तुम मेरे मुर्गी को लेके जाओ। मैंने भी इसको रेस के लिए ही तैयार किया है, तुम जरूर जीतोगे। तब रंजीत सीमा की मुर्गी को लेकर मुकाबले में चला जाता है। वहां पर सब लोग अपने अपने मुर्गियों पर बैठे तैयार हो गए। जैसे ही मुकाबले का अनाउंसमेंट होने ही वाला था, तभी रंजीत अपने मुर्गी पर बैठकर वहां पर पहुंच जाता है। प्रेसिडेंट और उसका बेटा रंजीत को देखकर चौंक जाते हैं। सब लोग लाइन में आकर मुर्गियों के साथ खड़े हो जाते हैं और रेस शुरू हो जाता है। सब मुर्गी तेजी से भागने लगे। तभी प्रेसिडेंट, अरे रेस में सब लोगों को मैनेज कर लिया है, लेकिन इस रंजीत का क्या करें? इतने में रंजीत की मुर्गी तेजी से दौड़कर प्रेसिडेंट की बेटे की मुर्गी को पीछे छोड़कर रेस जीत जाता है। सब लोग रंजीत प्रेसिडेंट करके चिल्लाने लगते हैं। रंजीत की जीत देखकर प्रेसिडेंट और उसका बेटा मुंह छुपाकर भाग जाते हैं। किशनलाल की चांदपुर में एक कार वर्कशॉप थी। वो बहुत ही कुशल कार मैकेनिक था। जैसी भी बिगड़ी हुई कार हो, वो उसे मिनटों में ठीक कर देता था। आसपास के गांवों से भी लोग उसके पास अपनी कारें ठीक करवाने आया करते थे। किशनलाल की दुकान पर कारों की लंबी लाइन लग जाया करती थी। किशनलाल ने अपनी सहायता के लिए 4-5 कुशल मैकेनिकों को रखा हुआ था। अरे छोटू, क्या हुआ है उस गाड़ी में? अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? बस उस्ताद, 5 मिनट का समय दीजिए, अभी ठीक कर देता हूँ। उसका प्लग लगाना है। हाँ छोटू, जल्दी से इस गाड़ी को निकालो, देखो और गाड़ियाँ भी लाइन में लगी हैं। एक दिन तो किशनलाल की वर्कशॉप और उसके बाहर गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह ही नहीं बची। यह देखकर उसके आस पड़ोस के दुकान वाले उसे बोलने लगे, अरे भाई किशनलाल, गाड़ियाँ उतनी ही मंगाया करो जितनी ठीक कर सको। सारी जगह तुम्हारी गाड़ियाँ घेर लेंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? भाई साहब मैं क्या करूँ, लोग गाड़ियाँ लेकर आ जाते हैं तो उन्हें ठीक करना ही पड़ेगा ना, मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकता। भाई बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन उपाय भी तो तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा ना। किशनलाल काम से थका हारा रात को घर आता है और अपनी दुकान के आगे लगने वाली भीड़ के बारे में सोचने लगता है। किशनलाल को चिंता में देखकर उसकी पत्नी पूछती है, क्या बात है जी, क्यों परेशान हो? अरे क्या करूं भगवान, काम ही इतना है, दुकान के अंदर और बाहर गाड़ियां खड़ी करने की जगह ही नहीं है। अब तो पास पड़ोस के दुकान वाले भी झगड़ने लगे हैं, ग्राहकों को मना भी तो नहीं कर सकता ना। किशनलाल की पत्नी कुछ सोचकर उससे कहती है, अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है, आप भूमिगत दुकान क्यों नहीं खोल लेते जैसी शहरों में होती हैं? जरा सोचो कितना दिमाग की बात है ना, हमारे पास तो जगह है, जमीन है, हमें कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं। समझदारी से काम लो और भूमिगत दुकान खोल लो। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, मैं कल ही भूमिगत दुकान बनवाता हूँ। अगले ही दिन से किशनलाल भूमिगत कार वर्कशॉप का काम शुरू कर देता है और एक हफ्ते के अंदर उसकी भूमिगत कार वर्कशॉप बनकर तैयार हो जाती है। अब किशनलाल के पास जगह की कमी नहीं होती। भूमिगत कार वर्कशॉप खोलने के बाद किशनलाल का काम दोगुना हो गया और उसके पास पड़ोसी भी खुश हो गए। उस्ताद दुकान में जगह नहीं है, गाड़ी को कहाँ भेजूं? अरे छोटू भेज दे भूमिगत कार वर्कशॉप में, अब तो अपने पास नीचे भी जगह है ना। विशाल कद्दू। रामदीन चंद्रपुर गांव में रहने वाला एक किसान था।
वो अपने खेतों में कद्दू उगाया करता था। उसके खेतों में कद्दू की बहुत अच्छी फसल होती थी। वो हरे कद्दूओं को सब्जी मंडी में ले जाकर सब्जी बनाने के लिए बेचा करता था। उसके खेत के कद्दूओं की सभी तारीफ किया करते थे। अरे आओ भाई रामदीन, कितना माल लाए हो? सेठ जी, एक ट्रॉली माल है आज। अरे रामदीन, तुम तो जितना माल लाओ उतना ही कम है, हाथों हाथ बिक जाता है तुम्हारा माल। भाई क्या डालते हो ऐसा अपने खेतों में? और वो कद्दूओं को पक जाने के बाद उन्हें मिठाई बनाने की फैक्ट्री में बेच दिया करता था। उसके कद्दूओं से बनी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करती थी, क्योंकि वो कभी भी अपने खेतों में केमिकल खाद नहीं डालता था। एक दिन जब वो शहर से वापस आ रहा था, तब उसने एक जगह लिखा हुआ पढ़ा कि बागवानी विभाग ने एक प्रतियोगिता रखी है, जिसके खेतों का कद्दू सबसे विशाल और सुंदर होगा उसे इनाम दिया जाएगा। रामदीन ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने की सोची और लग गया अपने खेतों में विशाल कद्दू उगाने। उसने विशाल कद्दू उगाने के लिए अपने घर के पास ही एक हिस्से में बीज लगाया और जब उसमें बेल निकल आई तो उसकी खूब सेवा करने लगा। रामदीन की मेहनत रंग लाई। देखते ही देखते उसके खेत में बहुत ही विशाल कद्दू पैदा हो गया, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए। ये कद्दू इतना विशाल था कि उसे वहां से ले जाना मुश्किल था। बागवानी विभाग के अधिकारी रामदीन के खेत में उसका कद्दू देखने आए। उन्होंने उस कद्दू की जांच की और रामदीन की खूब तारीफ की। वाह भाई रामदीन, तुमने ऑर्गेनिक खेती करके इतना विशाल कद्दू उगाया है, पहले इनाम के हकदार तो तुम ही हो, ये लो अपना इनाम। समय बीतता गया, रामदीन का कद्दू पककर सूख गया, लेकिन वो गला नहीं, वो और भी मजबूत हो गया। रामदीन ने उसे वहां से नहीं हटाया। एक साल गांव में बहुत तेज तूफान आया, सभी लोगों के घर और झोपड़ियां उड़ गईं, रामदीन के घर की छत भी उड़ गई। हे प्रभु, तूने मेरी छत उड़ा दी, अब मैं क्या करूंगा, कहां जाऊंगा, मकान बनाने में तो समय लगेगा। तभी अचानक रामदीन को विशाल कद्दू देखकर एक आइडिया आया। उसने अपने औजार उठाए और विशाल कद्दू को काटना शुरू किया। उसने उस कद्दू में एक दरवाजा बनाया और दो खिड़कियां बना दी और उसने उस कद्दू को अंदर से खाली किया और हो गया रामदीन का कद्दू घर तैयार। रामदीन अपने परिवार के साथ उस विशाल कद्दू में बनाए घर में रहने लगा और एक बार फिर सभी लोग रामदीन की अकल की दाद देने लगे और मुसीबत पड़ने पर प्रतियोगिता के लिए उगाया गया विशाल कद्दू रामदीन के लिए घर बन गया।